नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दे दें, फिर चर्चा कर लें। कांग्रेसी सदस्यों की अभद्र भाषा के कारण जेपीसी से भाजपा सदस्यों ने किया वॉकआउट। सरकार ने ट्विटर पर कसा शिकंजा, ट्विटर यूजर्स ने इसे इमरजेंसी जैसा कहा। असम हिंसा मामले में कांग्रेस की सहयोगी दल बीपीएफ के विधायक गिरफ्तार। उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा का गंगा अभियान शुरू। राजस्थान में बारिश से 23 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हरा भारत फाइनल में पहुंचा। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कहा कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन से हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीधे तौर पर दोषी हैं, इसलिए उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संसद में कथित कोयला घोटाले को लेकर लगातार दूसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रहने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि जैसे 2G घोटाले में संचार मंत्री ए राजा और एयरसेल मैक्सिस घोटाले में कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन ने इस्तीफा दिया, उसी तरह प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि कोयला ब्लॉक के आवंटन के कारण हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री खुद दोषी हैं, क्योंकि इस दौरान 5 वर्ष तक ये मंत्रालय उनके पास था। ये ध्यान दिलाने पर कि कुछ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोयला ब्लॉकों की नीलामी का विरोध किया था, जेटली ने कहा कि कोयला देश का प्रमुख खनिज है और ये सीधे राष्ट्रहित से जुड़ा है। अगर वर्ष 2005 में कुछ मुख्यमंत्रियों ने नीलामी का विरोध किया भी था तो प्रधानमंत्री को उसे खारिज करने में 7 साल क्यों लग गए। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी होने के बारे में ध्यान दिलाने पर उन्होंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में भी प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, लेकिन कोयला ब्लॉक घोटाले में तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दें, फिर चर्चा हो सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि चर्चा की मांग की आड़ में सरकार देरी कर रही है और प्रधानमंत्री के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2G घोटाले के मामले में भी संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने जो आश्वासन दिए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। दरअसल सरकार पर से अब सबका भरोसा उठ चुका है। 2G स्पेक्ट्रम की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बैठक में बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गवाह के रूप में बुलाने की भाजपा की मांग पर कांग्रेस के सदस्य भड़क गए। दोनों पक्षों के बीच तनातनी इतनी बढ़ी कि कांग्रेस के सदस्य असंसदीय भाषा पर उतर आए। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बुलाने से नाराज कांग्रेसी सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाने की मांग की। अति उत्साह में कांग्रेसी सदस्यों ने जमकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके चलते भाजपा के सभी सदस्य बैठक से वॉकआउट कर गए। बताया जा रहा है कि बैठक में गवाहों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना था। बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बुलाने की मांग की। इस पर कांग्रेस के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई।
कांग्रेस सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाने का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्यों की मांग पर कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि भाजपा जेपीसी को कंगारू कोर्ट की तरह डील कर रही है। भाकपा के गुरुदास दास गुप्ता और कांग्रेस के मनीष तिवारी के बीच भी काफी गर्मागर्मी हुई। शोर शराबे के बीच भाजपा के सदस्य बैठक से वॉकआउट कर गए। भाजपा सदस्य जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान और रविशंकर प्रसाद ने बैठक से वॉकआउट किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि 2G मामले में निष्पक्ष जांच के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चिदंबरम का समिति के समक्ष पेश होना जरूरी है। वॉकआउट के बाद यशवंत सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक में उन्होंने मांग की कि आज ये तय होना चाहिए कि 2G मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गवाह के तौर पर बुलाया जाए या नहीं। जब हमने पिछले 8 सप्ताह से लंबित गवाहों की सूची को अंतिम रूप देने की मांग उठाई तो कांग्रेस के सदस्यों ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि आज हमने वॉकआउट किया है, इस्तीफे के बारे में फैसला बाद में करेंगे। सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने हम पर जेपीसी को कंगारू कोर्ट में बदलने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि हम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बुलाएं। 30 सदस्यीय जेपीसी में भाजपा के 6 सदस्य हैं। समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं और अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के पीसी चाको हैं। जेपीसी में कांग्रेस के 10 सदस्य हैं जबकि भाजपा के 6 सदस्य हैं। सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों की भाषा अनियंत्रित थी और जेपीसी के अध्यक्ष ने भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद उनके पास बैठक से वॉकआउट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर जेपीसी के सदस्य और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति से भाजपा सदस्यों का वॉकआउट पूर्व नियोजित था। उन्होंने कहा कि बैठक में किसी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तिवारी ने कहा कि भाजपा सदस्यों को वॉकआउट के लिए कोई वैध बहाना चाहिए था। समिति के अध्यक्ष चाको ने भी कहा कि बैठक में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। भाकपा के गुरुदास दास गुप्ता ने कहा कि समिति की बैठक में आज जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार ने असम हिंसा पर अफवाहों के मद्देनजर कई ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। खास बात यह है कि इसमें से 2 अकाउंट पत्रकारों के भी हैं। इस कदम को लेकर सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। लोग इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने जो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए हैं उनमें से एक कुछ दिन पहले तक अंग्रेजी अखबार पाइनियर से जुड़ी रही कंचन गुप्ता का है। दूसरा अकाउंट एक न्यूज चैनल में डिप्टी एडिटर शिव अरूर का है। ये अकाउंट ट्विटर ने बंद नहीं किए हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से ये अकाउंट ब्लॉक कराए गए हैं। अकाउंट को एक्सेस करने पर मैसेज आता है, ये वेबसाइट URL कोर्ट के ऑर्डर या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अगले आदेश तक ब्लॉक किए गए हैं। खास बात यह है कि अकाउंट HTTP पर ब्लॉक थे जबकि HTTPS प्रोटोकॉल पर इसे एक्सेस किया जा सकता था। इस खामी की वजह से गुप्ता और अरूर अकाउंट ब्लॉक होने के घंटों बाद भी ट्वीट करते रहे। बाद में इस खामी को दूर कर अकाउंट्स को पूरी तरह बंद कर दिया गया। उधर ट्विटर अकाउंट बंद करने को लेकर ट्विटर पर लोग खूब आलोचना कर रहे हैं। लोग इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं। इमरजेंसी 2012 और GOI ब्लॉक्स टॉप ट्रेंड्स में हैं। लोगों का तर्क है कि अगर ट्वीट भड़काऊ भी हैं तो उन्हें ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। असम में हुई हाल की हिंसा में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में असम में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के एक विधायक को आधी रात के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कोकराझार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप ब्रह्मा उर्फ गारा को कोकराझार शहर के निकट डोटोमा में उनके घर से रात लगभग 1 बजे गिरफ्तार किया गया। प्रदीप के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। BPF बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिले की सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका प्रमुख हगरामा मोहिलरी है। धुबरी जिले में कल हुई हिंसा में 2 लोगों के मारे जाने के बाद कोकराझार जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्रह्मा के समर्थकों द्वारा रेल पटरी और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर धरना देने के बाद सेना ने फ्लैग मार्च किया। निचले असम के कोकराझार, धुबरी और चिरांग जिलों में हिंसा के कारण 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 4 लाख लोग बेघर हो गए हैं। गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का भारतीय जनता पार्टी का गंगा अभियान पार्टी के नेताओं को गंगा जली और गंगा साहित्य भेंट करने के साथ ही आज से शुरू हो गया। भाजपा की तेज तर्रार नेता एवं पार्टी की गंगा अभियान की संयोजक उमा भारती ने
पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को गंगा जली एवं गंगा साहित्य भेंट कर इस अभियान की शुरुआत की। उमा भारती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सभी सांसदों एवं पार्टी नेताओं को गंगा जली एवं गंगा साहित्य भेंट करेंगी। गंगा अभियान से जुड़े पार्टी सूत्रों ने बताया कि उमा भारती ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से संबंध में मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि उमा भारती गंगा के संबंध में अपने जनजागरण अभियान की शुरुआत देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ करने जा रही हैं। इसके बाद वे 21 सितंबर को 40 दिन की गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा से पहले गंगा के तट पर बसे सभी प्रमुख नगरों में गंगा समग्र के बैनर तले गोष्ठी का आयोजन करेंगी, जिसमें स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से गंगा पर किसी न किसी रूप में आश्रित समुदायों को साथ जोड़ा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी की 12 सदस्यीय गंगा अभियान समिति इस पूरे अभियान का संचालन करेगी। इसमें उमा भारती के अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भाजपा महासचिव विजय गोयल, प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, पार्टी नेता वी मुरलीधर राव, अनिल माधव दुबे, सरयू राय, सिद्धार्थनाथ सिंह, अमिताभ सिन्हा, विजय जौली और श्रीराम बेंद्रे शामिल हैं। राजस्थान में बारिश मुसीबत बनकर उभरी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक बारिश से 23 लोगों की मौत हो गई है। बारिश ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। सिर्फ जयपुर में ही 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1.5-1.5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। जयपुर जिले में गुरुवार को 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बारिश से बिगड़े हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजस्थान में भारी बारिश से लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जताते हुए राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इससे पहले सांसद महेश जोशी ने पीएम से मुलाकात कर बाढ़ के हालात की जानकारी दी थी। बारिश के मद्देनजर राहत कार्यों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मदद की पेशकश की है। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण एक बार फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले के आधार पर ईडी ये जांच करेगा कि बालकृष्ण ने विदेशों से धन के लेनदेन में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून का किस तरह से उल्लंघन किया है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला बालकृष्ण के खिलाफ सीबीआई द्वारा की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट बनवाने के मामले में बालकृष्ण को गिरफ्तार भी किया था। बालकृष्ण फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। ईडी को शक है कि इस फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर बालकृष्ण ने विदेशों से गैर कानूनी धन का लेन देन किया है। गौरतलब है कि रामदेव ने यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और काले धन के मामले में मोर्चा खोल रखा है। सरकार रामदेव के ट्रस्टों की आय और योग से कमाए गए पैसे की भी सघन जांच कर रही है। रामदेव और बालकृष्ण सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वह बदले की भावना से उन पर झूठे मामले बना रही है। न्यूजीलैंड को हराकर भारत अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 9 विकेट से मात दे दी। अब भारत का 26 अगस्त को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इससे पहले टोनी आयरलैंड स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 210 रनों का लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसमें सलामी बल्लेबाज प्रशांत चोपड़ा के सबसे अधिक 52 रन शामिल हैं। चोपड़ा ने 104 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा बाबा अपराजित 44, कप्तान उन्मुक्त चंद 31, हनुमा विहारी 22, अक्षदीप नाथ 11 और हरमीत सिंह ने 6 रनों का योगदान दिया। विजय जोल, कमल पासी और रविकांत सिंह खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। समित पटेल 15 और संदीप शर्मा 7 नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर बेन हॉर्न ने सबसे अधिक 3, जबकि मैथ्यू क्वीन ने 2 विकेट चटकाए। जैकब डफी, एड नुटाल, कोनोर नैनन्स और इश सोडी ने 1-1 विकेट चटकाए। तो ये थे समाचार विस्तार से। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।